हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू द चैनल। होप यू ऑल आर डूइंग गुड। तो अभी मैं आई हूँ मेरे बैकेट में। सुबह सुबह मैं जब भी उठती हूँ बैकेट में पहले आ जाती हूँ। और अभी तो समर सीजन है, बाहर बहुत जल्दी धूप निकल जाता है, इसीलिए मैं पहले बैकेट का काम निपटा लेती हूँ। जो लोग मेरे रोज़ का वीडियो देखते हैं उन्हें पता होगा कि मैं हर रोज़ सुबह उठने के बाद बैकेट में पहले आ जाती हूँ। तो पहले मैं बैकेट का काम निपटा लेती हूँ, उसके बाद घर का काम करती हूँ। तो अभी मैं बैकेट में थोड़ा सा पेड़ पौधों में पानी वगैरह डाला, और अभी थोड़ा सा घास वगैरह हुआ था उसे भी निकाल रही हूँ, साफ़ कर रही हूँ। मुझे घास बिल्कुल पसंद नहीं, अगर बैकेट में कहीं भी मुझे थोड़ा सा भी घास वगैरह दिखाई देना मैं तुरंत उसे निकाल लेती हूँ, मुझे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता है। घास को अगर उखाड़े बिना ऐसे ही छोड़ दो ना, वो धीरे धीरे पूरे बैकेट में फैल जाता है, और तभी ना बहुत दिक्कत होता है उसे उखाड़ने में। तो इसीलिए जब भी मुझे थोड़ा बहुत घास दिखाई देता है तो मैं इसी तरह से उसे साफ़ कर लेती हूँ, उखाड़ लेती हूँ। और अभी मैं थोड़ा सा बैकेट में झाड़ू लगाऊंगी, ये तो मेरा रोज़ का काम है। मैं घर को जिस तरह से साफ़ रखती हूँ बैकेट को भी उसी तरह से साफ़ सुथरा ही रखती हूँ। मुझे मेरा घर का आसपास का एरिया हमेशा साफ़ सुथरा चाहिए, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं थोड़ा भी पत्ते वगैरह कहीं भी गिरा होता है ना, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। बैकेट में इधर उधर बासी फूल और पत्ते वगैरह अगर पड़ा हुआ होता है ना, वो दिखने में भी अच्छा नहीं लगता है, इसीलिए मैं हमेशा बैकेट को झाड़ू लगाती हूँ। और थोड़ा बहुत जो भी फूल पत्ते वगैरह निकलता है ना, मैं उसे गमलों में डाल देती हूँ। तो ये जो बाहर के गमले हैं ना, इसमें भी थोड़ा बहुत घास वगैरह हो गए थे, तो ये सारे घास को साफ करने के बाद इसमें थोड़ा सा पानी भी डाल दूंगी, क्योंकि इतना ज़्यादा धूप निकलता है ना, दो टाइम पानी डालने के बावजूद भी ये जो गमलों की मिट्टी है ना वो पूरी तरह से ड्राई हो जाते हैं, इसीलिए रोज़ रोज़ इसे दो टाइम पानी डालना पड़ता है। और बाहर देखिए कितना ज़्यादा धूप भी निकल गया है, तो फटाफट मैं ये सारे काम को निपटा लेती हूँ, उसके बाद जाऊँगी घर के अंदर। घर में बाकी जो मॉर्निंग का काम होता है ना उसे भी निपटाना पड़ेगा। तो मॉर्निंग का सारा काम निपटाने के बाद मैं सावल लेके आ गई थी, पूजा वगैरह ख़त्म करने के बाद ब्रेकफास्ट भी कर लिया था, और अभी मैं लग गई हूँ लंच की तैयारियाँ में। तो अभी ना मैं जल्दी जल्दी लंच बना लेती हूँ, क्योंकि गर्मी इतना ज़्यादा हो रहा है कि लंच बनाने के लिए बिल्कुल मन नहीं कर रहा है। तो मैं सिंपल सा जो भी दाल चावल वगैरह होगा उसे बना लूँगी फटाफट, और उसके बाद मैं किचन से निकल जाऊँगी, क्योंकि यहाँ ज़्यादा देर तक रुकना मेरे लिए पॉसिबल नहीं, इतना ज़्यादा गर्मी हो रहा है। तो आज लंच में दाल चावल के साथ थोड़ा सा भिंडी का मस्टर्ड वाला करी बनाऊंगी, वो भी खट्टा मीठा डाल के, उसके साथ थोड़ा सा बैंगन और तोरी को फ्राई करूंगी, और थोड़ा सा आलू की ग्रेवी वाला सब्जी भी बनाऊंगी, और बैकेट से थोड़ा सा कद्दू के फूल भी लाई थी उसे भी फ्राई करूंगी, लेकिन वो बाद में करूंगी, क्योंकि वो ना थोड़ा सा गर्मा गर्म खाने में ही अच्छा लगता है। तो सारे कुकिंग ख़त्म हो जाने के बाद मैं कद्दू के फूल को फ्राई करूंगी। आलू तो बॉयल करके रखा है, दाल भी बन गया है, और चावल वहाँ चढ़ा दिया है। अभी मैं बैंगन और तोरी को यहाँ फ्राई करने के लिए रख रही हूँ, और साथ ही साथ मैं भिंडी की सब्जी भी बना रही हूँ।
तो सारा कुकिंग तो ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया है। अभी सिर्फ मैं कद्दू के फूल को फ्राई करूँगी। तो उसके लिए ना मैं कद्दू के फूल को अच्छे से साफ करके उसका जो डंठल वगैरह होता है ना उसे निकल के पानी में धो के रख लिया है। अभी मैं उसके लिए थोड़ा सा बैटर बनाऊँगी। तो बैटर के लिए मैं यहाँ थोड़ा सा चावल की जो पेस्ट होता है ना उसे लिया है। आप चाहे तो चावल की आटा भी ले सकते हैं। और उसमें थोड़ा सा मस्टर्ड पेस्ट डाल दिया है, थोड़ा सा हल्दी और थोड़ा सा रेड चिल्ली का पाउडर, थोड़ा सा जीरा पाउडर, थोड़ा सा धनिया पाउडर और थोड़ा सा नमक डाल दिया है। और इसमें हल्का सा पानी डाल के इसका एक पतला सा बैटर तैयार करेंगे, जो कि ना ही ज़्यादा थिक होगा और ना ही ज़्यादा पतला होगा। देन ये सारे कद्दू के फूल को ना इसी बैटर में अच्छे से डुबो देंगे और इसके ऊपर ना अच्छा सा कोट बना देंगे और फिर तवे पे तेल डाल के इसको फ्राई करेंगे। तो स्लो फ्लेम में हम इसको फ्राई करेंगे दोनों तरफ, जब तक गोल्डन ब्राउन ना हो जाए तब तक हम इसे फ्राई करेंगे। और ये ना थोड़ा सा क्रिस्पी हो जाने के बाद हम इसे निकल देंगे और ये गर्मा गर्म खाने में ही बहुत टेस्टी लगता है। तो ये देखिए, ये दोनों तरफ से गोल्डन ब्राउन हो गया है और क्रिस्पी भी बन गया है। तो अभी मैं इसको प्लेट में निकल देती हूँ। तो सारा कुकिंग ख़त्म करने के बाद अब बारी आती है किचन का साफ सफाई की। तो किचन को मैं अभी थोड़ा सा साफ कर लूँगी। तो ये था आज का मेरा सुबह से लेकर दोपहर तक का रूटीन। होपफुली आप सबको पसंद आया होगा। अगर आप सबको मेरा ये छोटा सा वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना मत भूलिएगा, बेल आइकन को भी ज़रूर दबाइएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं मेरे और एक न्यू ब्लॉग वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर एंड बाय बाय।